गुड़ गन्ने के रस से हासिल होता है। गन्ने के रस को कड़ाहे में डालकर तेज आंच पर पकाया जाता है। जब ये गाढ़ा हो जाता है तो इसके गोले बना लिए जाते हैं। यूं गुड़ तैयार होकर बाजार में बिकने के लिए आ जाता है। गुड़ एक ऐसी कुदरती मिठास है जो गन्ने के रस को फकत गर्म करने से या पकाकर हासिल होती है। हमेशा मार्केट से ब्राउन या काला गुड़ खरीदें, क्योंकि यह केमिकल से पाक होता है। गुड़ में कैरोटीन, निकोटीन, तेजाब, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन C के साथ आयरन और फास्फोरस भी पाया जाता है। गुड़ का मिजाज गर्म और दूसरे दर्जे में पुराना गुड़ खुश्क है, जबकि नया गुड़ कफ, दमा, खांसी और पेट के कीड़े वगैरह जैसे मुख्तलिफ अमराज के लिए मुफीद तरीन करार दिया गया है। गुड़ निज़ाम हजम की इसलाह करता है, कब्ज दूर करता है और गैस की तकलीफ से निजात दिलाता है। हाफिजा तेज़ करने और याददाश्त बढ़ाने में गुड़ के हलवे का इस्तेमाल बेहतरीन साबित हुआ है। लिहाजा वो तलबा जिन्हें सबक याद ना होता हो, इन्हें सुबह शाम गुड़ का हलवा इस्तेमाल करना चाहिए। गुड़ में मौजूद फौलाद एनीमिया को भी ठीक करता है और खून में हीमोग्लोबिन की मकदार बढ़ाता है। जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त में भी इजाफा करता है। आर्थराइटिस या घुटने के दर्द और सोजिश में मुतला अफराद 5 ग्राम गुड़ और 5 ग्राम अदरक का पाउडर इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ घुटने के दर्द से निजात मिलेगी बल्कि सूजन भी कम होगी। इसी तरह थोड़ा सा गुड़ और भुना हुआ अदरक गर्म पानी के साथ सोने से पहले इस्तेमाल करने से दायमी जुकाम और दर्द से अफाका होता है। कब्ज बेशुमार जिस्मानी अमराज की जड़ है। इससे बवासीर जैसी तकलीफदेह बीमारियां भी जन्म लेती हैं। कुदरत ने गुड़ में कब्ज कुशा सिफत भी रखी है। जिन लोगों को कब्ज हो, इन्हें गुड़ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। नीम की पकी नमोली पुराने गुड़ के साथ दिन में 3 बार खाने से बवासीर जैसे मोहलक मर्ज से निजात मिल जाती है। खांसी से निजात के लिए ये नुस्खा भी मुफीद है। 10 ग्राम सरसों के खालिस तेल में 10 ग्राम गुड़ मिलाकर सुबह शाम 1-1 चम्मच चाट लें, खांसी दूर हो जाएगी। अगर किसी मरीज का मलेरिया बुखार ना उतर रहा हो तो काला जीरा और गुड़ का सौंफ मिलाकर खाने से फायदा होगा। सर्दियों के मौसम में गुड़ और काले तिल के लड्डू बनाकर सुबह शाम खाने से ठंडक के खिलाफ जिसम में भरपूर कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है और खांसी, दमा और ब्रोंकाइटिस वगैरह में भी फायदेमंद होता है। हिचकी रोकने के लिए भी गुड़ कारगर साबित हुआ है। जहनी दबाव की वजह से हमारे मुआशरे में माइग्रेन या दर्द शकीका का मर्ज आम होता जा रहा है। इसे आधे सर का दर्द भी कहते हैं। इससे निजात के लिए सुबह सूरज निकलने से पहले और रात को सोते वक्त 12 ग्राम गुड़ को 6 ग्राम घी में मिलाकर चंद दिन खाएं। अगर बलगम की शिकायत हो और बलगम भी ज़्यादा बन रहा हो तो गुड़ के साथ अदरक का रस इस्तेमाल करवाने से बलगम की शिकायत भी खत्म हो जाती है। बुजुर्गों खवातीन हजरात को अक्सर कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। अगर वो 50 ग्राम अजवाइन के सफूफ में हम वजन गुड़ मिला लें और इस अमेजा का 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम के वक्त खाएं तो इससे इन्हें अफाका होगा। मोटापे से निजात पाने की ख्वाहिशमंद खवातीन चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। वो अफराद जिन्हें पेशाब के कतरे आते हैं, गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर खाने से इन्हें इस आर्जे से छुटकारा मिल सकता है। गुड़ में पके हुए चावल खाने से बैठा हुआ गला ठीक और आवाज़ सुरीली हो जाती है। यूट्यूब पर गूगली टीवी देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।